साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक द्वारा बदमाशों के लिए आवारा लड़के जो कॉलेज के बाहर, स्कूलों के बाहर, महिला महाविद्यालय के बाहर सभी जगह आवारा लड़के घूमते हैं और अन्य लड़के जो चौवने होते हैं उनके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक रोमियो टीम बनाई है। रोमियो टीम में करीब 5 से 6 महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है। तो ये बाड़मेर की रोमियो टीम है जो आज एडीजी क्राइम पुलिस लाइन का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। तो उससे पहले ये रोमियो टीम तैयार खड़ी है, देख लो आप। करीब 5 से 7 महिला कांस्टेबल है, जिसमें आज अभी 3 महिला कांस्टेबल अपने वाहन सहित यहाँ पर पहुँची है। अपने ये हथियारबंद है, इनके पास हर समय हथियार रहते हैं। ये रोमियो टीम हर गली गली में घूमती रहती है आवारा लड़के, चौने लड़के उनको सीधा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हो, एक बार शेयर कर दो साथियों इसे फटाफट। और राजस्थान पुलिस की एडीजी विनीता ठाकुर और बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने पुलिस लाइन में निरीक्षण के दौरान एफएसएल टीम जो घटना घटती है उसके बाद एफएसएल टीम वहां मौके पर पहुंचती है, सैंपल लेती है। एफएसएल टीम से जानकारी एडीजी विनीता ठाकुर ले रहे हैं और पास खड़े बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद और पुलिस के अधिकारी जवान सभी मौके पे है। यहाँ एक डेमो हुआ था, डेमो में एक शराबी की मौत हुई थी। मौत के बाद एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, सैंपल लिए। सैंपल लेने के बाद पूरी जांच की, जांच के बाद वापिस पूरी जानकारी एडीजी विनीता ठाकुर को दी है पुलिस के जवानों ने, किस तरह सैंपल लिए हैं, किस तरह वापिस इसकी जांच होगी, कैसे सैंपल लिए थे, मौके पर क्या मिला था, घटना स्थल की पूरी जानकारी विनीता ठाकुर को देते हुए। एक बार शेयर कर दो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।